नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं क्षितिज डेफ एंड डम स्कूल पे, जो कि ओवरब्रिज के पास में है। और हमारे साथ में सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं और इस स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बच्चों को लेके जाने वाले हैं फ्लावर पार्क, जो कि टुपुदाना के पास में है। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं और सर को बहुत बहुत थैंक यू कि सर आज हमें परमिशन दिए हैं बच्चों को ले जाने के लिए। तो बच्चे वैसे जगह पे जाके कैसा महसूस करते हैं सर? ऐसे जगह पे जाने के बाद तो हम लोग खुद भूल जाते हैं कि हम बच्चे हैं कि नहीं जी। तो वो तो इंसाइटमेंट है कि ये बच्चे क्या इंजॉय करेंगे और कैसे करेंगे, शायद हम लोग उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये लोग इतने खुश हैं और ये जो बच्चे हैं कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ सुन नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनमें एक क्षमता है, एक टैलेंट है और वो बहुत टैलेंटेड है, जैसे हम लोग आपको बता चुके हैं। और आज उनके लिए हम लोगों ने कुछ करने का सोचा है। तो आज चलिए देखते हैं बच्चों को कितना मज़ा आता है वो दिखाते हैं और कैसा रहता है आज का ये ट्रिप वो देखते हैं। और हमारी बस खड़ी हुई है, अभी जस्ट हम लोग बस में जाएंगे। और अभी हम लोग ओवरब्रिज के पास में है। आज हम लोग जाने वाले हैं वाइल्ड वादी वाटर पार्क, जहाँ पे फ्लावर पार्क बना है। तो बच्चों के लिए वो सबसे अच्छी जगह होगी, क्योंकि बहुत सारे खेलने के भी चीज़ हैं, एक्टिविटीज़ भी है, तो बहुत मज़ा आएगा। तो सारे बच्चे अभी लाइन पर लगे हुए हैं, अभी सबको हम लोग बस में बैठाएंगे। तो देखते हैं वहाँ हम लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों सारे बच्चे अभी बस में बैठ रहे हैं और हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो भी साथ में चल रहे हैं, ताकि बच्चों को टेक केयर करें। और हमारे टीम के सारे मेंबर्स भी हैं। का नाम है क्षितिज डेफ एंड डम मिडिल स्कूल और ये रही बस हमारी। यहाँ पे सर लोग हैं, चले सर। बोले थे ना कितने लोग जाएंगे? 70 बोले थे ना, 70 है टोटल। बच्चे लोग 50 होंगे, बच्चे 50 है ना। तो दोस्तों देखिए सारे बच्चे काफ़ी खुश हैं और हम लोग अभी वाइल्ड वादी वाटर पार्क जा रहे हैं और वहाँ फ्लावर पार्क भी खुला है। और देख सकते हैं सब कुछ, कुछ सब लोग एकदम कुछ कुछ बातें कर रहे हैं इशारों में और काफ़ी इनके चेहरे को देख के ही लग रहा है कि ये बहुत उत्सुक हैं। देख सकते हैं आप, हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, हम लोग पहुंच जाएंगे और सीधे वाटर पार्क हम लोग पहुंचने हैं, अभी रास्ते में है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वाइल्ड वादी वाटर पार्क और हमारी बस यहां पे लगी हुई है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं वाइल्ड वादी वाटर पार्क, जो कि रांची से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारे साथ सारे बच्चे हैं और साफ काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं ये लोग। और यहाँ की टिकट प्राइस जो है वो 300 रुपया है शनिवार और रविवार को, और बाकी दिन 200 रुपया है। अंदर में बच्चों के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज़ है और ये हमारे टीम की मदद के वजह से आज पॉसिबल हो पाया है, साथ ही वाइल्ड वादी के जो ऑनर सर है उनके वजह से। और आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और चलिए चलते हैं, अब हम लोग एंटर करने वाले हैं। और यहाँ का जो भी डिटेल्स है, जो भी चार्जेस का डिटेल्स है, अगर आप अपने स्कूल के साइड से आते हैं या फैमिली के साइड से आते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फ़ोन नंबर और गूगल मैप का लोकेशन। चलिए अब हम लोग घुसने ही वाले हैं। सर यहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या है? बहुत सारे एक्टिविटी है सर, बच्चों के लिए ट्रम्पलिंग पार्क है, हमारे फ्लावर पार्क है, बर्ड पार्क भी है। जी हाँ, बर्ड पार्क भी है, जिप लाइन भी है। अच्छा। साथ में एक्टिविटी के लिए रोप कोर्स भी है जी जी जी। और वाटर स्लाइड में जो हमारा है ये मल्टी लैंड, हाई स्पीड, पेंडुलम, रेन डांस, फैमिली स्लाइड, ये सब कुछ है। तो बच्चों के लिए एक चीज है कि हमारे साथ जो बच्चे वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई गार्ड वगैरह है अंदर?
जी सर, उनके सुरक्षा के लिए हर पोस्ट पर हमारा बाउंसर है सिक्योरिटी के रूप में। इनके साथ भी मैंने दो बाउंसर दे रहा हूँ। अच्छा। जो एक लेडीज और एक जेंट्स, जेंट्स में आपका किशन तो जी है। बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल सर, बेहतरीन ख्याल रखा जाएगा सर। चलिए ठीक है। और ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं और ये सारे टीचर्स हैं जो सारे बच्चों के साथ ही रहेंगे। तो चलिए एंटर कराइए। ठीक है। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे बर्ड पार्क है और यहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी हैं और सारे बच्चे बहुत खुश हैं, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और वो हाथ में दाना लेके पक्षियों को खिला रहे हैं। और देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ पे। जब आप आओगे ना तो आपको रंग बिरंगे तरह तरह की पक्षियाँ देखने को मिलेंगी। और देखिए कुछ बच्चे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, काफ़ी खुश है और इनके लिए ये आउटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत इमोशनल हो जा रहा हूँ। तो यहाँ मनप्रीत भैया हैं और बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेके आए हैं। क्या लाए हैं भैया? सैंडविच। बच्चों के लिए नाश्ता में सैंडविच है। अभी हम लोग सारे बच्चों को सैंडविच देंगे और ये मनप्रीत भैया लेके आए हैं। सारे बच्चे बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चे बाहर बैठ के खा रहे हैं। तो देखिए यहाँ इस तरीके का रूम भी है। अब बच्चों को आराम करने के लिए यहाँ पे अभी रूम मिला है। सारे बच्चे थक गए थे, सब रेस्ट कर रहे हैं। काफी उछल कूद करने के बाद बच्चे थके थे तो हमारे यहाँ के वाटर पार्क वाले सर ने ये रूम दिया है बच्चों को। और देखिए बहुत अच्छा सा रूम है।
तो दोस्तों अब हम लोग खाने के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे एक कैंटीन है जहाँ पे आपको खाना मिल जाता है। तो आज हम लोग सारे बच्चों का खाना यहीं पे बुक किए हुए हैं और यहाँ पे हमें 65 रुपीस में खाना मिल रहा है कुछ डिस्काउंट के साथ में। तो आप देख सकते हैं पीछे दाल चावल और एक सब्जी मिला है, पापड़ और सलाद है। तो हम लोगों ने बच्चों को, शुरू में हम लोगों ने सोचा था बच्चों के लिए कुछ केला या कुछ ब्रेड वगैरह रखेंगे, पर मुझे लगता है लंच सबसे परफेक्ट रहेगा और लंच यहाँ अवेलेबल था तो हम लोगों ने लंच ही करा लिया। और आप देख सकते हैं हमारे सारे बच्चे जिन्हें हम लोग लेके आए हैं और ये अभी थक गए हैं तो ये अभी खाना खा रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं हम लोग कैसे सर्व कर रहे हैं। तो अब खाने खाने की बारी आ चुकी है, देखिए सारे बच्चे आ गए खाने के लिए। नहीं, रोटी वो अपने ही काट दिए थे। सबको बोल दे। तो दोस्तों हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताएं और उनके लिए कुछ करें, और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सबसे पहले सर का। थैंक यू सर कि आज इस चीज़ के लिए आप हमारे साथ रहे, और सारे टीम मेंबर्स का और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और वाइल्ड वादी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी काफ़ी इंजॉय किए बच्चों के साथ। जो सहयोग मिला आप लोगों के टीम से, विद्यालय साधुवाद देती है आपके टीम को कि आप हमेशा इस तरह का कार्यक्रम को आयोजन करते रहिए और सफलता ईश्वर देगी ही। और हम लोग तो काफ़ी इंजॉय किए इन बच्चों के साथ, बच्चे भी बहुत इंजॉय, बच्चे तो काफ़ी इंजॉय किए इसमें कोई दो मत नहीं, और थकते नहीं बनते थे इनके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सभी दर्शकों को हम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस तरीके से जुड़े हैं। तो हम लोग इस तरीके का कार्यक्रम करते रहेंगे और कुछ नया लाने की कोशिश करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।